हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक आरओ का एफआर है, और इस एफआर को मैंने जो है मैनुअल फ्लश में कन्वर्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑटो फ्लश लगाना होता है आरओ में, और हमारे पास ऑटो फ्लश अवेलेबल नहीं हो पाता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ऑटो फ्लश के बेनिफिट ये रहते हैं, हम जो आरओ का मेम्ब्रेन है उसकी क्लीनिंग ऑटो फ्लश करता है। मतलब जब भी आरओ ऑन होगा तो पहले कुछ समय के लिए आरओ के मेम्ब्रेन की क्लीनिंग होगी, देन उसके बाद वो ऑटो फ्लश जो होता है ऑटोमेटिक एफआर में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें ऑटो फ्लश नहीं मिल पाता, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी में हम क्या है कि मैनुअल फ्लश भी बना के हम ऑटो फ्लश जैसा यूज कर सकते हैं। मतलब ये मैनुअल फ्लश रहेगा, इसका भी काम यही रहेगा मेम्ब्रेन की क्लीनिंग करनी, लेकिन ये हमें मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा। तो इसे बनाएं कैसे, तो ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखिए क्या होता है, हमारे आरओ का एफआर कुछ इस टाइप से लगा हुआ होता है। ये जो पॉइंट है, यहाँ से मेम्ब्रेन से होता हुआ ड्रेन पाइप आता है, और हम बीच में यहाँ एफआर लगा देते हैं, और यहाँ से वेस्ट पानी होता हुआ बाहर निकल जाता है। अब हमें क्या करना है, इस टाइप से ये एफआर निकाल लेंगे, हमें ये सिर्फ एफआर मिल गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस टाइप से पाइप के छोटे से टुकड़े ऐसे ले लेंगे हम, ठीक है, और फिर एक पाइप का टुकड़ा हम इधर भी लगा देंगे, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमें एक टी लगा देना है। इस टाइप से हम टी लगा देंगे, एक पाइप ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और ऐसे स्टीम एल्बो भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ एक ऐसे हम स्टीम एल्बो लगा देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टाइप से एक पाइप लगा लेंगे, और फिर एक इधर भी पाइप कनेक्ट कर देंगे। ये जो ऑन ऑफ वाल है, ये फ्लशिंग का काम करता है। वो कैसे काम करेगा, मैं इसे पहले असेंबल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। और अब है हमें क्या करना, इधर भी हम इसके आउट वाले पॉइंट पे भी एक टी लगा लेंगे, और यहाँ से ये जो पाइप आ रहा है इसको हम इस टैप से इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आउट वाले पॉइंट से पाइप ऐसे निकल जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया है, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग आरओ का एफआर लगा हुआ था, इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया है मैनुअल फ्लश में। अब क्या है कि ये फ्लशिंग का काम भी करेगा और एफआर का काम भी करेगा। अब मान लो हमें आरओ के मेम्ब्रेन की क्लीनिंग करनी है, तो हमें क्या करना होगा, क्लीनिंग करने के लिए जैसे हम आरओ ऑन करेंगे, या पहले हमें इस ऑन ऑफ वाल्व को ऐसे खोलना होगा, और फिर हम क्या है कि आरओ ऑन करेंगे। जब आरओ ऑन करेंगे तो यहाँ से मेम्ब्रेन से जो वेस्ट पानी का पाइप आता है, इधर से जो पानी आता है वो सारा हमारा एफआर में ना जाके पहले यहाँ से होता हुआ, या अगर हमारा वाल खुला हुआ है तो यहाँ से होता हुआ हमारा सारा वेस्ट पानी ऐसे निकल जाएगा मेम्ब्रेन की क्लीनिंग। ऐसा हमें 5-7 मिनट के लिए करना है, मतलब दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, इतना सफिशियंट रहता है। और 5-7 मिनट चलाने के बाद हमें ये जो ऑन ऑफ वाल है इसे हमने ऑफ कर देना है इस टाइप से। अब ये ऑफ हो गया तो ये जो पानी यहाँ से आ रहा था मेम्ब्रेन हाउसिंग से ड्रेन वाला पाइप, वो अब यहाँ से ना जाके, जो पहले हमने यहाँ से ऐसे इस वाल को खोल दिया था, यहाँ से जा रहा था, अब जब हमने इसे ऑफ कर दिया तो ये पानी यहाँ से ना जाके ये पानी यहाँ एफआर के थ्रू ही जाएगा, तो फिर ये एफआर में नॉर्मल वे में काम करेगा। तो आप भी इस टाइप से अगर इमरजेंसी में मैनुअल फ्लश बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये मैंने एक जुगाड़ बनाया है जो कि इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह आरओ यूज़ कर रहे हैं
जहाँ मेम्ब्रेन बहुत जल्दी चोक हो जाती है। तो चोक होने का कारण एक ये भी रहता है, वैसे तो कई कारण रहते हैं लेकिन चोक होने का एक मेन रीजन ये भी रहता है कि हमारी मेम्ब्रेन की फ्लशिंग नहीं हो पाती, उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती टाइम टू टाइम साथ के साथ, इसलिए वो मेम्ब्रेन में स्केलिंग जमती रहती है और वो एक टाइम आके वो चोक हो जाती है। तो इस टाइप से आप उसकी फ्लशिंग करेंगे तो हमारी मेम्ब्रेन की लाइफ लगभग दोगुना बढ़ जाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है शेयर करने लायक है तो आप जरूर शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ऑल पर प्रेस करने से फायदा ये रहेगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।